नमस्कार, स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको जनरल साइंस के बायोलॉजी से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम एंड ग्लैंड से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराऊंगी, जो बार बार एसएससी, आईएएस और स्टेट लेवल एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। अगर आपको एंडोक्राइन सिस्टम और ग्लैंड से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप जनरल साइंस का पार्ट टू वीडियो देख सकते हैं। आपके कोई भी कमेंट्स होते हैं, कोई भी डाउट्स आपके रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने कमेंट्स भी हमें लिखकर भेजें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी जोन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल का बटन भी ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है, यानी कि कौन सी ग्लैंड डक्टलेस होती है। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि वाहिनी विहीन ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करती है, तो उसमें आपका आंसर होगा ये हार्मोन्स का उत्सर्जन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्लैंड हमारी गर्दन के निचले हिस्से और छाती के ऊपरी हिस्से में होती है। यह थाइमस हार्मोन स्रावित करती है जो कि WBC को प्रोड्यूस करते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं। जन्म से लेकर यौनावस्था तक, किशोरावस्था तक, एडोलसेंस तक यह थाइमस ग्रंथि धीरे धीरे बढ़ती रहती है, लेकिन इसके बाद यह धीरे धीरे छोटी होकर वृद्धावस्था तक लगभग लुप्त हो जाती है। तो इसमें आपका आंसर होगा थाइमस ग्लैंड वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यकृत यानी कि लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त यानी कि बाइल का निर्माण करती है। पित्त या बाइल गहरे हरे या पीले रंग का लिक्विड होता है जो पाचन यानी कि हमारे भोजन के डाइजेशन में मदद करता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में या अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो उसमें आपका आंसर होगा थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, यानी कि कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों की तरह कार्य करती है। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्नाशय। ऐसी कई ग्रंथियां हैं जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह कार्य करती हैं, जो हार्मोन्स का भी उत्सर्जन करती हैं और एंजाइम्स का भी। इनमें अग्नाशय, वृषण और अंडाशय शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। इसमें आपका आंसर होगा जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड हमारे दोनों किडनीज के ऊपर होती है और ये दो हार्मोन्स को स्रावित करती हैं जो कि हमारी हृदय गति को, सांस लेने की दर को, बीपी को नियंत्रित करते हैं। तो वो हार्मोन जो हमारी हृदय की धड़कन को, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, इस वजह से उन हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन बोलते हैं और इस ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ एमरजेंसी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी यकृत। ये तीनों ही ग्रंथियां हैं जबकि ऑप्शन डी है जठर, ये कोई ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है। इसमें आपका आंसर होगा थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है जो कि थायराइड ग्रंथि से उत्सर्जित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन को एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर भी बोलते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से यानी कि आयोडीन की कमी आ जाने से मानव के शरीर में घेंघा रोग हो जाता है जिसको गॉइटर भी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, एड्रिनेलिन हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसमें आपका आंसर है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स मूल रूप से क्या होता है, यानी कि एंजाइम्स क्या होते हैं? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन एक पाचन एंजाइम नहीं है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, गैस्ट्रिन कोई भी पाचन एंजाइम नहीं है, जबकि बाकी आपके तीनों ऑप्शन ट्रिप्सिन पेप्सिन और टॉयलिन पाचन एंजाइम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है, यानी कि पौधों वाला हार्मोन कौन सा है जो पौधे में कोशिका विभाजन में मदद करता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है, यानी कि किस ग्रंथि से इंसुलिन उत्सर्जित होता है? इंसुलिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये विटामिन है, हार्मोन है, एंजाइम है या क्या है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से उत्सर्जित होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, और मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज से उत्सर्जित होता है। पैनक्रियाज में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन बीटा कोशिका से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइजोजाइम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? ऑप्शंस देखिए, एनवर्टेज, एस्कॉर्बिक अम्ल, इंसुलिन, आरएनए। तो इसमें से ऑप्शन सी है, इंसुलिन, जो कि आपका हार्मोन है जो पैनक्रियाज से उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है जो कि फीमेल में उत्सर्जित होता है, स्त्रियों में उत्सर्जित होता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि, कौन सी ग्लैंड अश्रु स्रावित करती है? अश्रु यानी कि आंसू, आंसू निकलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड से, जो कि एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है, जो कि मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित होती है, इसलिए इसको तीसरा नेत्र भी बोला जाता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों में जिस पदार्थ का श्रवण होता है उसको क्या कहते हैं? पहले तो वाहिनी विहीन ग्रंथियां कौन सी होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये आपको पता होना चाहिए कि वाहिनी विहीन कौन सी होती है। आपको एंडोक्राइन की जगह वाहिनी विहीन दे दिया और आपको पता ही नहीं होगा, तो क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो वाहिनी विहीन कौन सी होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां। उनमें से जो पदार्थ उत्सर्जित होते हैं उसको क्या कहते हैं? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, हार्मोन्स। और एक्सोक्राइन ग्लैंड से यानी कि बाह्य श्रावी ग्रंथियों से उत्सर्जित होते हैं, उनको बोलते हैं एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि जो
डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl एसिड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन कौन सा है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, साइटोकाइनिन हार्मोन पौधों में फूल बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? हमारी स्किन का कलर किससे निर्धारित होता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, मेलानिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन स्रावित होते हैं जिनको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, उनसे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वो ज्यादा मात्रा में स्रावित होने लगे? अगर हार्मोन ज्यादा मात्रा में हो या कम मात्रा में हो, दोनों ही कंडीशंस में हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हार्मोन्स का जो एक बैलेंस लेवल है उसी उसी मात्रा में उनको स्रावित होना चाहिए। अगर वो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, दोनों ही कंडीशंस में बीमारी हो जाएगी। तो यहाँ अगर ज्यादा हो रहा है तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? शरीर का असंतुलन, कि शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स के निर्माण से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेनल ग्लैंड संबंधित है? ऑप्शन ए है जनन तंत्र, ऑप्शन बी है उत्सर्जन तंत्र और ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों। तो इसमें आपका आंसर होगा ए एंड बी दोनों। देखिए, जनन तंत्र से कैसे संबंधित है? एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं कॉर्टेक्स, दूसरे को मेडुला। तो जो कॉर्टेक्स है उससे सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, तो ये जनन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी में है उत्सर्जन तंत्र। एड्रेनल ग्लैंड हमारी किडनीज के ऊपर होती हैं और किडनी का क्या काम होता है? हमारे शरीर से जो उत्सर्जित पदार्थ हैं, वेस्टेज है, उनको बाहर निकालने का। तो जो वेस्टेज को बाहर निकालने के काम को भी ये कंट्रोल करता है, तो ये उत्सर्जन तंत्र से भी संबंधित है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स। साथ ही नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अब आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।